नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे टिटहरी पक्षी से जुड़े शुभ और अशुभ फल के बारे में। अगर टिटहरी पक्षी किसी के घर के ऊपर से उड़ते हुए तीखा शोर मचाती है तो क्या इसका परिणाम अशुभ होता है? क्या यह पक्षी जब किसी के घर के ऊपर उड़ते हुए मंडराते हुए जब चिल्लाता है या तीखा शोर मचाता है तो क्या इससे कोई भविष्य में घटने वाली घटना का संकेत मिल रहा है या फिर कोई घर में दुर्घटना घटने वाली है? आज हम इन सभी चर्चा पर बात करने वाले हैं और आपको समझाएंगे कि इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके पीछे की वह कौन से तथ्य हैं जिनको आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। हमारे कई दर्शकों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर हमें ये बताइए कि हमने अक्सर देखा है कि टिटहरी पक्षी उड़ते हुए हमारे घर के ऊपर आता है और हमारे घर के ऊपर मंडराता है और तीखा शोर मचाता है, और तो और कई बार ऐसी जगह देखा गया है जहां पर वह पक्षी बहुत ही ज़्यादा शोर मचाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सीधी सी और एकदम आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं इस टिटहरी पक्षी के बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ऐसे ही रहस्यमय जानकारी पाने के लिए, ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी जरूर दबा लीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे उसका संकेत आप सभी को प्राप्त हो जाएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, टिटहरी पक्षी आसमान में कई कारणों से उड़ता है और वह इंसानी बस्तियों की ओर भी कई कारणों से आता है। और तो और दोस्तों, जब टिटहरी पक्षी किसी घर के ऊपर उड़ता हुआ उसी के घर के ऊपर शोर मचाता है या फिर चिल्लाता है, इसके पीछे कौन से संकेत होते हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला कारण दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो टिटहरी पक्षी होता है वह जमीन पर अपना जो है घोंसला बनाना पसंद करता है। किससे? छोटे छोटे मिट्टियों के कंकड़ से और रेतीले कंकड़ से और रेत से और कंकड़ से, मिट्टी की जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके यह अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। जमीन पर यह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। और दोस्तों, यह समतल इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है और इस पक्षी की कई प्रजातियाँ हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर इस पक्षी के अंडे होते हैं, तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब कोई शिकारी इनके अंडे को जब नुकसान पहुंचाता है या फिर इनके अंडे को तोड़ करके खा जाता है, तो दोस्तों यह पक्षी अपने अंडे को बचाने के लिए उस जानवर पर या फिर उस शिकारी पर जो है अपनी चोंच से तीखा वार करते हैं, अपने अंडे को बचाने की कोशिश करते हैं। और जब अपने अंडे को नहीं बचा पाते उस शिकारी से, तो ये उस जानवर को या किसी शिकारी को यह चोंच मार मार करके उसकी हालत खराब कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे खतरनाक जानवर होते हैं जो कि इनके अंडे को जो है तोड़ के खा जाता है, जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, यहाँ तक कि सांप हो गया, और तो और दोस्तों नेवला हो गया। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो इसके अंडे के पीछे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में जब इसके अंडे जो है कोई तोड़ देता है, कोई जानवर खा जाता है, तब दोस्तों यह पक्षी दुखी होकर के आसमान में अपना दुख व्यक्त करता है, चिल्लाता है। दोस्तों, जो इसके अंदर जो दर्द है, जो इसके अंदर जो दुख है, उसको बयां करता है, आसमान में उड़ता है। दोस्तों, एक तरह से आप कह सकते हैं यह पक्षी ईश्वर से लड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि यह अपने अंदर की बद्दुआ भी उन जानवरों को देता है कि जैसे तुम लोगों ने मेरे अंडे को खाया है तोड़ करके, जैसे मैं आज दुख भोग रहा हूँ, ऐसे ये भी भोगेंगे। और दोस्तों, ऐसा होता भी है। कोई भी जीव, यहाँ चाहे फिर दोस्तों वह शेर हो, चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी जीव किसी के साथ अगर गलत करता है, अन्याय करता है, तो दोस्तों उसको फल भोगना पड़ता है, ये सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा शेर अपने आप को बहुत ही बड़ा
और बहुत ही शक्तिशाली जानवर समझता है। लेकिन दोस्तों, इस धरती पर भगवान ने उससे भी खतरनाक जानवर बनाए हैं जो शेर को भी मार के खा जाते हैं। यानी कि दोस्तों, सबका भगवान ने जो है बाप बना रखा है, सीधी सी बात। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने विषय पर। तो दोस्तों, जो टिटहरी पक्षी होता है, जब इसके बच्चे को या इसके अंडे को नुकसान पहुंचाया जाता है, तब यह पक्षी जो है दोस्तों आसमान में उड़ता रहता है, अपने दुख को व्यक्त करता है, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। दोस्तों, वो इसके चिल्लाने की आवाज़ नहीं होती, वो इसके रोने की आवाज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, और वो बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है। क्या करे दोस्तों, जब किसी के बच्चे को कोई मार दे दोस्तों, तो दोस्तों उसके ऊपर क्या बीतती है वही पक्षी जानता है। तो दोस्तों, एक ये कारण है। और दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि दोस्तों, टिटहरी पक्षी, जी हाँ दोस्तों, कई बार जो है दोस्तों, खुशी के मारे, उत्साह के मारे भी, और जब कोई अच्छा सुहाना मौसम होता है, जी हाँ दोस्तों, जब कोई अच्छा सुहाना मौसम होता है, तो दोस्तों अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए और दोस्तों अपनी अपनी अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए, वो आसमान में सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए वह पक्षी आसमान में उड़ता है और शोर करते हुए जाता है। जी हाँ दोस्तों, और खुशी के मारे जो है उड़ता है यहाँ वहाँ आसमान में, और इंसानी जहाँ बस्तियाँ होती हैं उसके आसपास भी यह उड़ता है, और वहाँ जो ठंडी ठंडी हवाएं, जो सुहावना मौसम होता है, उसी के परिवेश में आकर के दोस्तों यह मधु होश हो जाता है। यानी कि दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों, ये मदहोश हो जाता है यह पक्षी। और दोस्तों, मदहोश होकर के दोस्तों यह पक्षी जो है आवाज़ करता है। दोस्तों, ये था इसके खुशी का कारण, और लोग समझ लेते हैं कि जो है कोई कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। टिटहरी पक्षी अगर आपके आसपास उड़ करके शोर करता है, तो दोस्तों यह पक्षी जो है आपके लिए कुछ अच्छा संकेत देता है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, टिटहरी पक्षी बहुत ही भाग्यशाली पक्षी होता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा और बहुत ही आकर्षक होता है, और बहुत ही चालाक होता है यह पक्षी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, और यह दोस्तों एक बार में 2 से 4 अंडे देता है। जी हाँ दोस्तों, और तो और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, जो गाँव के लोग होते हैं, जो गाँव के किसान होते हैं, टिटहरी पक्षी जब अंडा देता है, तब दोस्तों गांव के लोग जो है बारिश का अनुमान लगा लेते हैं। यानी कि जो वर्षा होती है ना, वर्षा का अनुमान लगाते हैं इसके अंडे से। क्योंकि दोस्तों, यह पक्षी वर्षा के मौसम के अनुकूल ही अपने अंडे देता है। और तो और दोस्तों, तीसरा कारण है, इस पक्षी का आसमान में और किसी के घर के ऊपर भ्रमण करने का जो तीसरा जो कारण है, वह है दोस्तों कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं को यह सूचित करता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि यह आपको अशुभ फल देगा, लेकिन बिल्कुल नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी आपको अशुभ फल नहीं देता है, यह पक्षी बुरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी अशुभ नहीं है, यह पक्षी दोस्तों भाग्य का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, मान सम्मान का प्रतीक है। यह पक्षी दोस्तों हम मनुष्यों के लिए गौरव का प्रतीक है, हमारे वातावरण के लिए, हमारे प्रकृति के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है यह पक्षी। दोस्तों यह पक्षी जो है ना दोस्तों यह पक्षी जो है आपके घर के आसपास जब ये उड़ता है बहुत ही ज़्यादा अचानक से आ जाता है, तो दोस्तों समझ जाइएगा कि भविष्य में कोई घटना घटने वाली है, आपको संकेत देता है। क्योंकि दोस्तों हमारे ऐसे कई शास्त्र हैं, कई ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें ये बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, पशु हैं, जिनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, और जिनके आधार पर वो जो है भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख लेते हैं, और वो आकर के आपके इंसानी बस्ती में जहाँ इंसान रहते हैं उस घर को ये केंद्रित करता है, जहाँ पर भी उस घर में कोई विपत्ति आने वाली होती है या फिर कोई जो है शुभ समाचार आने वाला होता है। यानी कि दोस्तों भविष्य में घटने वाली घटनाओं के लिए आपको आगाह करता है। अगर यह आपके घर के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाता है और कई दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों अगर कि आपके घर में ना कोई दिक्कत होने वाली है, तो दोस्तों ऐसे समय पर आप जो है ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि जो कुछ भी हो ठीक हो जाए, जो भी हमसे भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें, और तो और दोस्तों दान पुण्य करें ऐसे समय पर, और दोस्तों होशियार रहें
और कभी भी लंबी दूरी की यात्रा ना करें और सदैव चौकन्ना रहें। ठीक है दोस्तों, यह पक्षी आपको बताने आ रहा है अपना फर्ज समझकर। तो दोस्तों आपका भी फर्ज है कि इस पक्षी को आप गलत ना समझें, इस पक्षी को अशुभ ना माने। यह पक्षी बहुत पवित्र है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों इस पक्षी को लेकर के बहुत सारे लोग पाखंड फैला रहे हैं, झूठी खबर फैला रहे हैं। यह पक्षी अशुभ नहीं है, यह पक्षी बहुत पवित्र है, बहुत पावन है और बहुत ही दोस्तों सौभाग्यशाली और बहुत ही रहस्यमय पक्षी है। तो दोस्तों प्लीज इस पक्षी को जो है दोस्तों आप बचाएं और इसके अंडे को बचाएं, इसके बच्चे को बचाएं और इस पक्षी को जो है दोस्तों बचाने के लिए आगे आएं। और तो और दोस्तों अगर आपके आसपास हो तो लोगों को भी जागरूक करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रहस्यमय जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। आपका अपना भाई, धन्यवाद।